प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन की सिंगापुर यात्रा पर हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिंगापुर न केवल साझेदार देश है बल्कि हर एक विकासशील राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार भारत में भी अनेक सिंगापुर बनाना चाहती है और खुशी की बात है कि दोनों पक्ष इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य और औषधि कौशल विकास, भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर साझेदारी में सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इससे पहले सिंगापुर के संसद भवन में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा संपन्न करने के बाद कल सिंगापुर लॉयन सिटी पहुंचे थे।